वेलकम बैक गाइज, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ एस्थलीन सॉल्यूशन के ऊपर, जिसका यूज़ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के लिए होता है, और इसके लिए आपको नेबुलाइज़र की ज़रूरत होगी। और आज इस वीडियो में इसी बारे में फुली डिटेल में बात करेंगे कि इसका यूज़ किस किस कंडीशन में होता है, और इसकी इंटरेक्शन भी होती है गाइस कुछ मेडिसिन के साथ में। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं या आप एस्थलीन के कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जो इंटरैक्ट करती हैं। अगर आप उन मेडिसिन को भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही इसका भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें। इंक्लूडिंग कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें हार्ट अटैक तक हो जाता है। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एडल्ट डोज कितनी होनी चाहिए, और साथ ही बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डोज कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, पहले मैं इसकी प्राइस रेट और कंपनी के बारे में बता देता हूं। तो गाइस, इसका जो प्राइस रेट है वो आपको 10 के अराउंड की आपको मिल जाएगी, और सिप्ला कंपनी से बनाती है। सिप्ला कंपनी गाइस इंडिया में काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है सिप्ला कंपनी का। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको सल्बुटामोल मिलता है, जो कि एक ब्रोंको डायलेटर है, और ये ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, मतलब उसको एक्सपेंड कर देता है, जिससे पेशेंट को आसानी से सांस आता है। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसको किस कंडीशन में यूज़ करना है, साथ ही वो मेडिसिन जो इसके साथ इंटरैक्ट करती है, इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए बच्चों में, और एडल्ट डोज कितनी होनी चाहिए, और साथ ही बताऊंगा कि इसको यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है जिससे इस मेडिसिन का आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस मेडिसिन से जुड़े हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज, पहले तो आपने इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। वीडियो का नाम है लिवोलिन कैप्सूल्स, और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कैसे लोड करना है, और वो हमारी वीडियो लिवोलिन कैप्सूल्स के ऊपर है, तो आप उस वीडियो को भी देखना। अब गाइस, आगे बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो गाइस, इसके अंदर है सल्बुटामोल, जो कि एक ब्रोंको डायलेटर है, और जो सल्बुटामोल है गाइस, ये बेटा 2 एड्रिनो रिसेप्टर को स्टूमुलेट करता है। तो गाइस, स्टूमुलेट होने के बाद ये ब्रोंकल के जो आसपास के मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे जो पाथवे है वो एक्सपेंड होता है, जो सांस लेने वाली नलकियाँ हैं वो फूल जाती हैं, मतलब डायलेट होती हैं या एक्सपेंड हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को कंफर्टेबली सांस आता है। तो गाइज, ये थी इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात। आगे बात करते हैं इसके यूजेस की। तो गाइज, सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका यूज़ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को ट्रीट करने के लिए होता है, मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, अब चाहे वो अस्थमा की दिक्कत हो, दमा की दिक्कत हो, या फिर COPD की दिक्कत हो सकती है, या फिर ऐसे केसेस भी हो सकती हैं जिसमें म्यूकस छाती में बहुत ज़्यादा जमा हो गया हो, मतलब पूरी बलगम जम गई हो, कंजेशन हो गया हो उसको छाती में, तब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, या फिर जो पेशेंट का सैचुरेशन लेवल है वो कम हो जाता है, तब भी ऐसी केसेस में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो गाइज, ये थी इसके यूजेस की बात। आगे बात करते हैं इसके डोसेस की। तो इसके 1 ml के अंदर आपको 5 mg सल्बुटामोल मिलता है। तो गाइज़, नॉर्मली इस सॉल्यूशन का यूज़ तो एडल्ट के लिए होता है, लेकिन अगर आप बच्चे में यूज़ करना चाहते हैं तो 0.2 ml आप इसे नेबुलाइजेशन चैम्बर के अंदर डालें, साथ ही 2 ml नॉर्मल स्लाइन, जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, आप उसे यूज़ करें, और फिर उसको बच्चे में आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम आप इस डोज को बच्चे में 4 बार तक दे सकते हैं। 4 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, आप उन्हें ये 1 ml आप दिन में 2 बार दें, और 12 साल से बड़े बच्चों के लिए या एडल्ट डोज भी आ जाती है, तो आप मैक्सिमम उसे 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। अब वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसे कितनी सांस की दिक्कत है, और इसका इंस्टेंटली ही इफ़ेक्ट देखने को मिलता है सांस लेने में, पेशेंट कंफर्टेबली सांस लेने लग जाता है,
पाँच मिनट के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और जिसका असर 6-7 घंटे तक रहता है। और गाइज इसको यूज़ करने का तरीका है, अपने मुंह से सांस लेनी है बजाय नाक से सांस लेने के, और जो ये मेडिसिन है वो आपने पूरी की पूरी इनहेल करनी है ताकि जो मेडिसिन है वो मुंह के थ्रू लंग्स तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जो बच्चे के केसेस में आप माउथपीस का यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को नाक के पास माउथपीस लगा देना और बच्चा अपने आप सांस लेता रहेगा और जो मेडिसिन है वो अंदर जाती रहेगी जिससे उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में रिलीफ मिलेगा। ओके गाइज उसके बाद आपने यूज़ करने के बाद अच्छे से अपने मुंह को धोना है और 3-4 बार गरारे भी करनी है ताकि जो आपने मेडिसिन इनहेल करी है वो आपके गले में जो रह चुकी है वो गरारे करने से बाहर आ जाए। और आंखों को भी अच्छे से धो लेना ताकि जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलें। तो गाइज इस मेडिसिन के साथ कुछ मेडिसिंस भी हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। तो गाइज पहले नंबर पे है फेनरीफ्लिन नाम की मेडिसिन है जो कि सिनारेस टैबलेट के अंदर देखने को मिलती है, एंटी कोल्ड ये मेडिसिन है। तो गाइज अगर आप इस मेडिसिन के साथ इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है या आपके हाथ पैर कांप सकते हैं या आपका सिर दुख सकता है, तो आपको कुछ प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं अगर पेशेंट इन दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं। साथ ही अगर आप कोई बेटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, तब भी आपको इस मेडिसिन के एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही गाइज अगर आप डेरीफाइलिन टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक कॉम्पोजिशन है थियोफाइलिन, इसका भी एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट्स में। पेशेंट्स का पोटेशियम लेवल कम हो जाता है इसलिए आपको रेगुलरली अगर आप दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो गाइज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन बताएंगे और अगर उन्हें सही लगता है तो आप दोनों मेडिसिन को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो गाइज़ ये कुछ इंटरेक्शंस मेडिसिन थी जो इनके साथ नहीं लेनी होती। आगे मैं बताता हूँ इस मेडिसिन को लेते टाइम आपको किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़ जब आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको सिर में दर्द हो सकता है या आपके हाथ पैर कांप सकते हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है या कई लोगों को ऐसे लगता है कि उनका दिल जोरों से धड़क रहा है या फिर उनका दिल धड़कते धड़कते बाहर आ जाएगा, या कई लोगों का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनके सिर में दर्द होने लग जाता है। तो गाइज़ ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो इस मेडिसिन को लेने से आपको हो सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज़ ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज़ अगर किसी टॉपिक को लेकर या किसी बात को लेकर आप हमें किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके दे सकते हैं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।